सिख कौम के महान जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर के 307वें शहीदी दिवस से समाणा के बंदा सिंह बहादुर चौक से बाबा बलबीर सिंह कार सेवा वाले की अगवाई के बीच जिहड़ी बाबा बंदा सिंह बहादुर की प्रतिमा लगी है उसते फूल भेट किए गए हैं, श्रद्धांजलि दी गई है। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सिख कौम के लिए और इस देश के भी जो जुलम से मुगलों का राज से इस खासकर इस समाणा शहर के 22 पालकियां निकलती सी उस राज खत्म करके सिख राज की स्थापना की और जिमीदारों उन्होंने हक दवाए उन्होंने आज श्रद्धा के फूल भेट करने के लिए बाबा बलबीर सिंह की अगवाई के कार सेवा वाले गढ़ी साहब के जो बाबा जी हैं संगत आई है उन्होंने बंदा सिंह बहादुर को श्रद्धा के फूल भेटे किए हैं। साढ़े सिख धर्म के पहले राजा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी जिन्होंने बहुत वड्डी कुरबानी सिख धर्म के और किसानों जिमीदारों सब तो पहला जे जमीन के मालिकों ने हक दिते तो बाबा बंदा सिंह बहादुर ने ही दिते गए जी और इन्हों का सिख धर्म के बहुत वड्डा योगदान है। समाणा उत्ते जिथे अज यह यादगार बनी है इत्थे भी बाबा सिंह बंदा सिंह बहादुर ने चढ़ाई की और समाणे नूं फतेह किया। असीं अज बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का मना रहे हैं दिन, बड़ियां खुशियां खेड़े हुए ने क्योंकि साढ़े समाणे विच उन्हां दी मूर्ति लगी है। सब नूं पता लगता कि बाबा बंदा सिंह बहादुर कौन सन, उन्होंने इस कौम वास्ते सारे देश वास्ते कल्ली सिखां दी कौम वास्ते नहीं सारे देश वास्ते सारे धर्मों वास्ते अपनी बहुत वड्डी कुरबानी दित्ती है। खालसा राज दा राज चलाया 6 साल बहुत वड्डी देन है इन्हां दी, असीं इन्हां दी शहीदी नूं भुल नहीं सकते। बाबा बंदा सिंह बहादुर बेशक एक हिंदू परिवार चों सी, जदों साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सच्चे पातशाह नूं नंदेड़ साहब दे विच मिले तो जदों उन्होंने दर्शन किए गुरु गोबिंद सिंह ने पूछा तुसीं कौन हो, वह कहिंदे ने मैं तेरा बंदा। बंदे का भाव है कि गुलाम तो है कि मैं तेरा गुलाम हाँ। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्होंने थापड़ा दे के अपने गल आया तो उत्थों उन्होंने एक नगारा तो 5 तीर दे के 25 सिंह नाल पंजाब भेजा। पंजाब जो पहली बार पंजाब के एक पिंड रुके उस पिंड रात कट्ट वास्ते रुके सन तो उस पिंड एक डाकुआ ने हमला करता तो बाबा बंदा सिंह ते बहादुर सिंह ने उन्होंने मुकाबला करके उस नगर को बचा के बचाया तो सारा नगर उन्होंने श्रद्धालु बन गया जिन्होंने उन्होंने बहुत वड्डी सेवा की। उस तो बाद चल के उन्होंने सारे जो अपना हुक्मनामा से गुरु गोबिंद सिंह जी का पंजाब के सारे सिखों को अलग अलग भेजा तो सब तो पहला उन्होंने आके समाणा के हमला किया जिदा कारण सी कि इतों का जरा जलाद से जिन्हें गुरु तेग बहादुर साहब न शहीद किया तो छोटे साहबजाद शहीद किया मुख्य कारण सी कि समाणा तबाह किया। उन्होंने तबाह समाणा एक बहुत वड्डी उस टाइम के रहस्य भी सी जिथे 22 पालकियां निकल दिया सन जिस तरीके नाल अज ये कह सकते हैं कि 22 सिक्योरिटियां का जिस तरह एडा वड्डा समाणे का इतिहास है। उस तो बाद उन्होंने सरहद की इट खड़काई उस तो बाद उन्होंने जदों फड़ के दिल्ली लै गए तो उस टाइम अज के दिहाड़े उन्होंने बेटे अजय सिंह उन्होंने कहा तुसी कतल करो। उन्होंने कहा कि सिख जड़ा है ना तो किसी औरत ना बच्चे ते हमला करता है। उस दे सामने ही उसके बेटे का कलेजा कढ़ के बाबा बंदा सिंह बहादुर के मूँह ते पाया पर उन्होंने सी नहीं की। उन्होंने कहा तुसी ईन मान लो। उन्होंने कहा मैं उस गुरु का सिख हाँ जिदे 700 सिंह मेरे सामने शहीद हो गए ने जिन्होंने ईन नहीं मनी तो मैं किमें उसकी ईन मान सकता हाँ। उन्होंने अज के दिहाड़े ये शहीदी प्राप्त करके जिहड़ी साडी सिखी की जिहड़ी है नीह ते और जुल्म दा टाकरा करन वास्ते सिखां नूं पैदा किया अज जिदा असी निघ मान रहे हाँ सारे ही हिंदुस्तान के वासी पंजाब वासी सिख सारे ही वर्ल्ड दे विच फैले हुए ने। एक मैं समझदा हाँ बाबा बंदा सिंह बहादुर की देन करके अज असी उन्हां दा निघ मान रहे हाँ ते मैं उन्हां नूं नमन करदा हाँ श्रद्धा भेंट करदा हाँ जिन्हां दे अज दिहाड़े ते आपां सारे इकत्तर हो के उन्हां दे दिहाड़े नूं मना रहे हाँ। शहीद बाबा बंदा सिंह जी बहादुर का 307वां शहीदी दिहाड़ा है। सब नूं बहुत 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 वधाइयां ते सारे इस तरह ही मिल के असी साडे शहीदां नूं याद करते रहिए। कैमरामैन बीके गर्ग दे नाल पुरशोत्तम कौशिक समाणा न्यूज़।